हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम जॉन डन की लिखी द गुड मॉरो पोएम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पोएम के साथ इंट्रोडक्शन। डन की यह पोएम 1590s के या तो एंड में या फिर अर्ली 1600s में लिखी गई थी। द गुड मॉरो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव के बारे में बात करती है। जो टाइटल है वो सजेस्ट करता है ट्रू लव का आना, द डॉन ऑफ ट्रू लव, उसकी क्वालिटीज़ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दो सोल्स के बीच में, यानी कि लवर और उसकी बिलवड के बीच में। इस तरीके का जो उनका प्योर लव है वो उनको पूरा एक वर्ल्ड प्रोवाइड करता है जिस वर्ल्ड में कोई कोल्डनेस, कोई फियर या कोई डीके नहीं है। उनका जो परफेक्ट लव है वो ना तो टाइम ना ही डेथ से बाध्य है। जो टाइटल है द गुड मॉरो, गुड मॉरो का मीनिंग है अ गुड डे या फिर गुड मॉर्निंग। पोएट लव की फर्स्ट स्टेज को, जो कि एन्जॉयमेंट के साथ फिल्ड है, उसको कंपेयर करता है विद द मैच्योर टाइप ऑफ लव, जहाँ पर दो सोल्स के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप है। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। स्टैंजा वन। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। तो पोएट बोलता है कि जब हम दोनों को प्यार एक दूसरे से नहीं हुआ था, उससे पहले हम दोनों क्या कर रहे थे। बाय माई ट्रॉथ यानी कि आई स्वेयर ऑन माई ऑनर, उससे पहले वॉट डिड वी डू, वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, यानी कि क्या हम तब तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहे थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, या फिर हम सिंपल बचकानी चाइल्डिश चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, या फिर हम दोनों सो रहे थे सेवन स्लीपर्स के साथ। अब सेवन स्लीपर्स कौन है? दिस इज़ अ रेफरेंस। क्रिश्चियन और इस्लामिक ट्रेडिशंस में सेवन स्लीपर्स जो हैं वो कुछ यंग लोगों का ग्रुप था जो कि एक केव में छिप गए थे। एक सिटी थी एफिसस करके, उसके बाहर एक केव था, उसके अंदर छिप गए थे। क्यों? ताकि वो रिलीजियस परसिक्यूशन से बच सकें। लेजेंड के अकॉर्डिंग वो लोग 300 साल बाद बाहर आए थे और जो उनके बीच के ये साल थे वो लोगों ने सोकर गुजारे थे। तो जो ये डेन है वो बोलता है दिस इज द प्लेस जहाँ पर वो लोग सोए थे। इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज भी। तो बोलता है इट्स ट्रू, सच है, पर ये सब सिर्फ फैंटसीज हैं। वो बोलता है कि जो उससे पहले के सारे प्लेजर्स थे उनको अगर मैं प्रेजेंट वाले के साथ कंपेयर करूँ तो वो सारे सिर्फ फैंटसीज थे। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिजायर्ड एंड गॉट, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। कहता है कि अगर मुझे तुमसे पहले कोई और लड़की, सुंदर लड़की मिली थी जिसे मैंने पसंद किया, जिसको मैंने लाइक किया और मुझे वो मिली, वो तुम्हारी ब्यूटी की सिर्फ रिफ्लेक्शन थी, सिर्फ एक शैडो थी, सिर्फ एक परछाई थी, यानी कि तुम्हारे आगे वो कुछ भी नहीं थी। अब हम आते हैं स्टैंजा टू पर। एंड नाउ गुड मॉरो टू आर वेकिंग सोल्स, बोलता है नाउ गुड मॉर्निंग, अपनी सोल्स को बोलता है गुड मॉर्निंग जो अब जग रही हैं। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, कहता है कि जो हमारी सोल्स हैं वो एक दूसरे को आउट ऑफ फियर नहीं देखती या आउट ऑफ सस्पिशन नहीं देखते। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, कहता है कि जो हमारा प्यार है वो हमें किसी और प्लेजर की ओर भागने से प्रिवेंट करता है। कहता है कि जेलसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि जो हमारा प्यार है उसकी वजह से हमें किसी और की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है सिवाय एक दूसरे। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, कहता है कि जो उनका प्यार है वो एक छोटे कमरे को भी पूरी दुनिया जितना बड़ा बना देता है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, बोलता है कि जो एक्सप्लोरर्स हैं उनको जाने दो, ओशंस क्रॉस करने दो ताकि वो नए वर्ल्ड्स डिस्कवर कर सकें। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, कहता है दिखाने दो जो मैप्स हैं उन्हें दूसरे लोगों को दिखाने दो कि जो डिफरेंट वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। रिमेंबर डन के टाइम पर यू नो दोज डिस्कवरीज वर हैपनिंग, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ये सारी जो ज्योग्राफिकल नई जगहें डिस्कवर हो रही थी, तो वो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करता है पोएम में यहाँ पर। लेट अस पजेस वन वर्ल्ड, ईच हैथ वन
एंड इज वन। अब क्या बोलता है वो यहाँ पर, लेट अस हैव जस्ट वन वर्ल्ड। कहता है कि हम एक वर्ल्ड से खुश हैं, एक वर्ल्ड के पोजेशन से खुश हैं। कौन सा वर्ल्ड, कौन सी दुनिया? प्यार की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ लव, जहाँ पर जो लवर्स हैं, दे आर यूनाइटेड इनटू वन। स्टैंजा 3, माय फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स। कहता है कि मेरा फेस, मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में दिखता है और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में दिखता है। इट्स रिफ्लेक्टेड इन ईच अदर्स आईज, ईच अदर्स फेस, एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे की आंखों में दिखता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। और कहता है कि जो हमारे चेहरे हैं वो एक दूसरे को ये रिवील करते हैं कि जो हमारे दिल हैं, जो हमारे हार्ट्स हैं, वो प्योर हैं और इनोसेंट हैं। Where can we find two better hemispheres without sharp north, without declining west? ये वाली डन की बहुत फेमस मेटाफिजिकल कंसीट है। अगेन कहता है कि हम दोनों से बेटर कहाँ दो हेमिस्फीयर्स मिलेंगे जहाँ पर नॉर्थ की कोल्डनेस नहीं है या फिर वेस्ट की डार्कनेस नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पर कोल्ड बहुत होता है और वेस्ट पर जब सन सेट होता है तो डार्कनेस आ जाती है, राइट? तो कहता है कि हम दोनों से बेटर हेमिस्फीयर्स और कौन से मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? तो कहता है कि हम दोनों दो हेमिस्फीयर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो दो ज्योग्राफिकल हेमिस्फीयर्स हैं उनसे बेटर है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट हेमिस्फीयर है वो विदाउट नॉर्थ पोल है, यानी कि जो बिना ठंड के है, और जो सेकेंड हेमिस्फीयर है वो विदाउट वेस्ट, जहाँ पर सन सेट होता है, उसके बिना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्यार है, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू वेदर और टाइम। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि सिर्फ वो चीज़ें मरती हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अच्छे से या प्रोपोर्शनेटली मिक्स ना हुए हों। If our two loves be one, or thou and I love so alike, that none do slacken, none can die. Again, ऊपर वाली लाइन को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि पर हमारा प्यार इतना परफेक्टली मैच है कि हम दोनों एक हैं, और इसलिए जो हमारा प्यार है वो अपनी पावर लूज नहीं करेगा, एंड इसलिए वी विल नॉट डाई। सेम मतलब कि जो हमारा प्यार है वो एग्जैक्टली सिमिलर है हर एस्पेक्ट में, हर रिस्पेक्ट में, एंड एज सच दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। जो हमारा म्यूचुअल लव है, ना वो डिक्रीज होगा, ना वो डिक्लाइन होगा, ना कभी ख़त्म होगा। जो हमारा प्यार है वो इमॉर्टल।